बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल्स विद रिजवान। और आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है इनकम रिटर्न कैसे जमा कराते हैं। मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ सैलरी पर्संस के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय हैं और सैलरी ले रहे हैं, या वो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और सैलरी ले रहे हैं। तो जो सैलरी पर्सन हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी इनकम टैक्स कैसे जमा करा सकते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। ठीक है जी, तो सिंपल सा आपके सामने ये वेबसाइट का जो है पेज है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर आप गूगल पे IRISFBR लिखेंगे तो ये पहले जो लिंक आएगा वो यही आएगा, तो आपने इसको कर लेना है ओपन। यहाँ पर आपसे दो चीजें मांग रहा है, पहले नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरे पे पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास जो है वो आपका CNSI होता है, जो आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर में। और पासवर्ड जो आपके पास FBR का पासवर्ड है। इनकेस अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है ताकि आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो सके। इसके लिए आपके पास ये कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा। एक तो ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना जो है कोई भी जो आपका फ़ोन नंबर है वो किस कंपनी का है। ठीक है, और इधर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने का तरीका ये है कि 0092 शुरू में आपने लिखना है और फिर आगे सारा नंबर आपने लिखना है विदाउट जो है फर्स्ट जीरो। फॉर एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ कि अगर आप इधर लिख रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखना चाह रहा हूँ, तो उसको आपने लिखना ऐसे है कि 0092 ये आप लिख देंगे शुरू के अंदर। उसके बाद आप लिखेंगे 313, फॉर एग्जाम्पल आपका जोंग का नंबर है 414141। ठीक है, तो अब ये देखें कि आपने पहले जीरो की जगह जो है वो 0.0092 लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा लिख के इसको सबमिट करेंगे तो आपका एक ईमेल पे कोड जाएगा और एक कोड आपके सिम पे जाएगा, और वो कोड आप दर्ज करके अपना पासवर्ड जो है नया लगा सकते हैं। अगर तो आप आए ही FBR पे पहली दफा हैं तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्ट्रेशन पर्सन पे क्लिक करना, और ये सारा जो लंबा चौड़ा सा एक है फॉर्म, ये आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको ईमेल और जो फोन नंबर है वो बिल्कुल सही प्रोवाइड करना है, अदरवाइज जो है वो आपको काफी मुश्किलात हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो अब मैं CNSI लगाकर इसको जो है लॉग इन करता हूँ और फिर आगे देखते हैं क्या पेज आता है। जी व्यूअर्स, तो पासवर्ड लगाने के बाद आपके पास कुछ ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि अपना बैंक का IBAN नंबर लिख दें ताकि अगर कोई रिफंड वगैरह तो हम डायरेक्टली उसी में कर सकें। अगर करना चाहते हैं अपना बैंक नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं तो IBAN नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, अदरवाइज मैं तो इसको फिलहाल अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये पे ऑप्शन में कंप्लीट टास्क में ये डिक्लेरेशन हैं, यहाँ पर ये हमारे जो है प्रीवियस जो होता है जितना भी आपने जमा करवाया रिटर्न वो यहाँ पर होता है, तो इससे आप पिछली रिटर्न्स का भी आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने न्यू करना है तो आपने सबसे पहले डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक करना है सैलरी रिटर्न। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल्स विजिट व्यू, तो मैं इस विजिट व्यू को यूज करता हूँ। आप नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं मगर ये बहुत ही आसान है तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले जी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तानी हैं कि बाहर रहते हैं, तो आपने कह देना जी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में ही रिहाइश है, इसको आप कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है जी, उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपने सोर्स ऑफ सैलरी क्या है, सैलरी सोर्स है या अदर सोर्स। तो आपके चूंकि सैलरी है तो आप सैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ढेर सारे ऑप्शंस। तो चूंकि एनुअल सैलरी ही हमने लिखनी है, कोई ज्यादा इसके अंदर जो है हमारी मजीद नहीं है। ये कुछ मजीद जो चीजें हैं ये पायलट्स के लिए है, कमर्शियल अलाउंस, ये सब मेरीन यानी नेवी वालों के लिए है। ठीक है, इसी तरह ये कुछ आर्मी वालों के लिए है, मुआवजा वगैरह जो दिया जाता है। इसी तरह ये मोनेटाइजेशन अलाउंस, ये कुछ गवर्नमेंट मुलाजमीन कुछ को मिलता है। ठीक है, इसी तरह ये बर्खास्तगी मुलाजमत के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आपकी तनख्वाह में बकाया आया है यानी एडजस्ट हुआ है कोई पुराना बकाया, तो उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि इस केस में जो मैं अभी फिल कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ एनुअल सैलरी ही है, तो मैं एनुअल सैलरी पे क्लिक करता हूँ और भाई वो पूछ रहा है कितने रुपए आपके सालाना हैं। तो आपने क्या करना है, जुलाई 2019 से लेकर
जून 2020 तक, ठीक है, जो इस साल की रिटर्न है 2020 की, तो ये हो जाएगी जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक, ये 12 महीनों की जितनी आपकी सैलरी बनती है आपने उसको टोटल करके यहाँ पर लिख देना है। फॉर इन दिस केस 6,60,000 मैंने लिख दी है। इसके बाद आपने इसको कर देना है सेव और बैक चले जाएंगे। आगे जी वो पूछ रहा है कि एनुअल डिडक्शन कितनी हुई है सैलरी पे। ठीक है जी, अब हमें इसको बताने हैं यहाँ पर एनुअल डिडक्शन, यानी कि मेरा टैक्स कितना कटा है। चूंकि ये थोड़े से टीचर हैं तो इस वजह से इनका टैक्स जो है वो कुछ माफ होता है, यानी 40% टैक्स जो होता है वो माफ होता है। तो मैं इनकी सैलरी स्लिप को आपको जो है नीचे झलक दिखा रहा हूँ, तो उसे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि भाई पेएबल जो है वो 6,258, ये टोटल इसका टैक्स था। साल का जो टैक्स बनता है वो 62,58 है। सैलरी स्लिप पे आप ये देखें साइड पे लिखा हुआ है पेएबल, ठीक है। उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है आगे रिकवर्ड, रिकवर्ड वो है जो इन्होंने अदा किया है वो 4,694 है, और एग्जेम्प्टेड वो है कि ये चूंकि टीचर हैं तो 40% इनको माफ है, तो 40% जो इनका है वो 1,564 जो है वो यहाँ पर इनका एग्जेम्प्टेड में आ रहा है। तो सैलरी स्लिप जो है, अच्छा सैलरी स्लिप देखनी किसकी है, आपने सैलरी स्लिप देखनी है जून 2020 की, जिस साल की आप कर रहे हैं उसके जून के महीने की आपने सैलरी स्लिप लिखनी है। उस पे ये आपको सारा क्लियर मिल जाएगा कि कितना एग्जेम्प्टेड है, कितना रिकवर्ड है और कितना टोटल टैक्स था। तो अब आपने एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी यानी सालाना टैक्स कटौती बराए तनख्वाह, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर सेक्शन 149 के तहत मुलाजमीन की तनख्वाह से जो टैक्स कटता है वो आपने लिखना है, और वो आपने लिखना कौन सा है, रिकवर्ड वाला, जो सैलरी के अंदर जो रिकवर्ड वाला है ना वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये बन जाएगा 4,694, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको कर देना है सेव, ये आपका यहाँ पर हो गया, कंटिन्यू कर देंगे जी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और अब यहाँ पर ठीक है टैक्स डिडक्शन के बारे में आपने बताना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि टीचर्स को 40% जो होता है वो क्या होता है जी, माफ होता है टैक्स, ठीक है। तो वो 40% नीचे एग्जेम्प्टेड करके सैलरी स्लिप पे लिखा भी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है और टीचर हैं तो फिर आप ये अपने तौर पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,564 क्योंकि ये सैलरी स्लिप पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड, ठीक है जी। इसके बाद मैं कर दिया सेव एंड बैक, उसके बाद फिर आगे करेंगे मजीद कंटिन्यू, सही है जी। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज खुलाएगा। इसमें ये बताना है कि आपने, अगर आपका कोई टैक्स कटा है प्रॉपर्टी पे या यूटिलिटी बिल्स, गैस, फोन वगैरह पे, या किसी गाड़ी वगैरह पे, या बैंक वगैरह की कोई ट्रांजैक्शन पे, तो आप यहाँ पे भी वो टैक्स लिख सकते हैं। चूंकि बहुत मामूली होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पर ये जो लास्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बैलेंस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर अगर आप इसको एक फार्मूला समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है जी। जी तो इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है एसेट का बटन। एसेट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो असासे आप यहाँ पर शो कराएंगे कि भाई मेरे इस जगह पे इस शक्ल के अंदर जो है मेरे पास असासे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं जी, उसमें ऑप्शन देखते हैं। एसेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपसे ढेर सारे आ गए हैं। अक्सर उगात यहाँ पे शो लेस होता है, आप इसको शो मोर करेंगे तो ये ज्यादा दिखा देगा, तो इस तरह करके ये चेंज भी कर सकते हैं। तो भाई ये किस शक्ल के अंदर आपके पास एसेट है, अगर तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो फिर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे क्लिक करके अपने वो जो असासे आपने बताए हैं, जितने मालियत के बताए हैं वो आपने यहाँ पूरे करने हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे उसकी रकम, यहाँ पे लिखेंगे उसका एड्रेस, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि किस शक्ल के अंदर वो असासे हैं, और फिर आप ऐड पे क्लिक कर देंगे और सेव करके बैक चले जाएंगे। क्योंकि इनका मैंने कुछ नहीं करना इसलिए मैं सिंपल बैक जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने बताना है कोई रिहायशी कमर्शियल या कोई सन्नती जमीन या इंडस्ट्रियल जमीन इस तरह कुछ है, तो आपने वो यहाँ पर एड्रेस शो कर देना है, और उसकी यहाँ पे मालियत, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे वो किस शक्ल के अंदर है, ठीक है। फ्लैट है कि कमर्शियल बिल्डिंग है कि कोई इंडस्ट्री वाला जो है कारखाना है, क्या है। इसके बाद अगर कोई बैंक अकाउंट में पैसे हैं इन्वेस्टमेंट किए हुए तो वो बैंक अकाउंट की डिटेल और कितनी पैसे हैं वो भी लिख देने हैं। कोई गाड़ी के शक्ल में आपका सासा है तो यहाँ पर आपने व्हीकल की इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यहाँ पर उसका जो है गाड़ी के पैसे लिखने हैं, और यहाँ पर उसका कंटेंट आ जाएगा कि किस तरह की गाड़ी है, प्राइवेट है, कमर्शियल है, मॉडल कौन सा, इंजन कैपेसिटी क्या है उसकी, वगैरह वगैरह।
इसके बाद कैश नॉन बिजनेस है, कैश नॉन बिजनेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें नकद रकम जो है अगर आपके पास है, चूंकि इन भाई साहब की जिनकी मैं कर रहा हूँ इनके पास कोई और असासे नहीं है, सिर्फ 3 लाख रुपए की जो है नकद ही है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 लाख लिख के सेव कर रहा हूँ। तो अब ये मेरा जो है एसेट जो है वो बराबर हो गया, यानी मैंने 3 लाख इधर भी लिखे और मैंने करंट ईयर में भी 3 लाख लिखे हैं। इसके बाद अगर किसी दूसरे के नाम पर जायदाद है वगैरह वगैरह ये और भी हैं, अगर आपने इनमें कोई एहसास आता है तो आपने इस पर कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है जी, अब मेरा बैलेंस हो गया, मैंने नेट ईयर पे 3 लाख लिखे और असासे में भी मैंने 3 लाख लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है नेक्स्ट, अब मैंने इन फ्लॉज और आउट फ्लॉज को जो है वो एडजस्ट करना है। इन फ्लॉज क्या होते हैं, इन फ्लॉज वो है जो आपकी आमदनी है, जो आपने शुरू में लिखी थी कि भाई इतने रुपए जो है मेरी आमदनी आई है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो कितनी थी, मैंने लिखी थी शुरू में 6,60,000, तो यही मेरी क्या है आमदनी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टैक्स माफी और ये वो कुछ वरासत में मिला, कुछ गिफ्ट मिला वगैरह वगैरह, ये सब कुछ भी है, इसको मैं फिलहाल नहीं छेड़ा, जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे इनफ्लोज आ गए हैं 6,60,000। अब मैंने करना है आउटफ्लोज। अब आउटफ्लोज क्या होते हैं जी, आउटफ्लोज होते हैं जो आपके अखराजात होते हैं या दिगर अदाइयां होती हैं। ठीक है जी, अब यहां पर आपने अपना बैलेंस करना है कि ये 6,60,000 रुपया मैंने कहाँ खर्च किया है, किस सूरत में खर्च किया है, वो आपने यहाँ पर आउटफ्लोज में लिख देना है। ठीक है जी, इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर ज्यादातर हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किराए का मकान है तो आपने रेंट लिख देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तकरीबन 5,000 रुपया रेंट, 50,000 रुपया रेंट है, व्हीकल कोई गाड़ी वगैरह जो चलती गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस वगैरह, ट्रैवलिंग के ऊपर जी कितने रुपए आ गए, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये आ गए। ठीक है जी, बिजली के बिल पे कितने आ गए जी, फॉर एग्जाम्पल 20,000 तकरीबन कर लें। ठीक है, गैस के ऊपर भी तकरीबन 5,000 कर लें। ठीक है, इसके बाद टेलीफोन का जो है बिल, इसका भी मैं 10,000 कर देता हूँ। ये अंदाजे से आपने जो है अपने ही हिसाब से लगा लेना है कि भाई मेरा इतना जो है वो खर्चा हुआ है इस लिहाज से। एजुकेशनल क्या आ जाता है, बच्चों के एजुकेशन वगैरह का भी 1 लाख लग गया। अदर हाउस होल्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, इसमें टोटल लिख दूंगा जितना इसका जो है वो बनता है। तो ये बकाया था कि मैं क्योंकि पूरा करना चाह रहा हूँ 6,60,000, तो इसलिए मैं टोटल ही बनाऊंगा इसका, तो मैं सबको प्लस कर रहा हूँ। ठीक है जी, प्लस करने के बाद ये तकरीबन 2,55,000 बन रहा है। तो मैंने चूंकि मेरी सैलरी जो थी यहाँ पे मैंने 6,60,000 रखी थी, तो उससे मैंने माइनस किया, तो ये तकरीबन दीगर अखराजात जो है वो 4,05,000 रुपए बनते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब जो मैंने जितने भी मेरी आमदनी थी उतने ही मेरे क्या हो गए हैं, अब खर्चे हो गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि इन फ्लोज मेरे 6,60,000 मेरी आमदनी थी, मेरे खर्चे भी इतने ही आ गए हैं। तो अब इन फ्लोज जो है वो आउट फ्लोज के साथ बैलेंस हो गए हैं। अब इसके अंदर ये अक्सर औकात अगर आप लिख ये शो करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास कुछ पैसे बच गए और उसकी मैंने कोई अपना असासे रख लिए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपना इन फ्लोज मिसाल के तौर पर 6,60,000 है, आपका जो अखराजात हुए हैं वो 5,60,000 हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, तो 1 लाख आपको बच गया, तो वो 1 लाख फिर आपने कहाँ एडजस्ट करना है, फिर वो एसेट्स में जाकर आपने बताना है कि मेरा 1 लाख रुपया जो है वो किस सूरत में मेरे पास पड़ा है। अगर नकद पड़ा है तो आपने इसमें नकद में जाकर ऐड कर देना है, अगर कोई गाड़ी में आपने वो लिया तो ये, यानी कि आपने इन फ्लोज और आउट फ्लोज को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस ना हो, अगर बैलेंस ना हो तो फिर आपने उसको एसेट्स के अंदर जाकर पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बचत है तो आपने एसेट्स में पूरा करना है, अगर जो है वो खर्चा ज्यादा हुआ है तो फिर आउटफ्लोज को आपने इंक्रीज कर देना है कि भाई मेरा खर्चा जो है, तनख्वाह कम थी खर्चा ज्यादा हो गया। तो इस तरह करके ये जो है ना आपने अपनी बैलेंस करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो सिंपल सा कुलिया है, सबसे पहले आपने नेट एसेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर लिखना है, ये आपका टोटल जो पिछले साल का होगा वही आपने अपने एसेट्स के अंदर जाहिर कर देने के, ये फलां फलां जगह मेरे ये पिछले साल की जो एहसासे हैं ये पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इनफ्लोज में अपनी तनख्वाह लिखनी है, जितनी आपकी इस साल की कुल आमदनी है। उसके बाद आपने जो है अपना जो है आउटफ्लोज बताना है कि मेरा इधर इधर इतना इतना खर्चा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो खर्चा ज्यादा हो ठीक है और आमदनी कम हो तो आपने एसेट कम कर देने हैं, और अगर आपकी आमदनी ज्यादा हो और खर्चे कम हो तो आपको मुनाफा हुआ तो फिर आपने एसेट अपने उतने ही बढ़ा देने हैं। तो इस तरह करके ये आपका टिक का निशान आएगा ग्रीन से, तो इसका मतलब है कि अब आपका ये जो है बैलेंस हो गया। इसके बाद आपने करना है कंटिन्यू,
यहाँ पर ये यह आपसे प्रूफ वगैरह मांग रहा है, इसकी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने पिन कोड देनी है, तो कह रहा है कि चेंज कर लें पिन कोड, मैं यहाँ पर कोई अपनी पिन कोड लिख लेता हूँ, 4 नंबर की पिन कोड होती है, मैंने अपनी लिख ली है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे यहाँ पर पिन लिख के वेरीफाई पिन करना है, और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी की सारी आ जाएगी। समरी देख लेते हैं जी। समरी में ये सारा आपको बता देगा कि इतना इतना आपका ये हिसाब किताब बना है, और इस तरीके से ये आपका जो है ये खर्चा शर्चा बनता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है जी रिटर्न जमा कराने का, सही है। और इसमें जो है आपका तकरीबन 10-1 मिनट लगेंगे, और ये आप आसानी से अपनी सारी रिटर्न जमा करा सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, अगर आप सैलरी पर्सन है और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप फिर करें। अगर कोई बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, बिजनेस की रिटर्न जमा करा रहे हैं, तो उसका मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, तो वो आपने कमेंट में अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल उसका कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर है सैलरी पर्सन का है तो वो जरूर आप पूछें, इंशाल्लाह फुल गाइड करेंगे आपको। दैट्स इट, आज की ये वीडियो थी। आई होप आपको सारी जो है वो समझ आ गई होगी। चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है जी। नया सा चैनल है, नन्ना सा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट मिले आपकी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।